एक बार हुंकार भरे तो हम तो कहे थे गांधी मैदान में, लेकिन वेटनरी कॉलेज में देखबे के 3-4 लाख महादलित पहुंच गया। तो जन समर्थन मेरे पास है, एससी एसटी अति पिछड़ा पिछड़ा के समाज मेरे पास है, और इनका जो रैली हो रहा है, जो पहले कह रहा था खेला होगा, अब इसका कोई खेला चलने वाला नहीं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है, ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों का हंगामा जारी है। पॉलिटिको में बताते चले आपको कि जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जबरदस्त निशाना साधा है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा निकाले हुए हैं, जन विश्वास यात्रा निकाले हुए हैं, जिसको लेकर रत्नेश सदा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और कहते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव अगर गांधी मैदान में अपनी रैली करते हैं, अगर एक कोना भी गांधी मैदान का भर जाता है, तो हम समझेंगे कि उनकी यात्रा सफल हो गई है। इसी के साथ साथ वो कहते हुए नजर आए कि बिहार में एनडीए सरकार पूरी मजबूती से एक साथ है और एनडीए सरकार का बोलबाला है। इसी के साथ रत्नेश सदा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, तमाम मुद्दों को लेकर पहले आपको वो सुने। लेकिन उस रैली से कुछ होने जाने वाला नहीं है, मात्र दो समुदाय के लोग रहेंगे, जिससे MY की समुदाय रहेंगे, जिससे उसका पटना के गांधी मैदान एको कोना भर जाएगा, तो हम समझेंगे इसका रैली सफल हुआ। हमारा महादलित एसी एसटी समाज एक बार हुंकार भरे तो हम तो कहे थे गांधी मैदान में, लेकिन वेटनरी कॉलेज में देखबे के 3-4 लाख महादलित पहुंच गया। तो जन समर्थन मेरे पास है, एससी एसटी अति पिछड़ा पिछड़ा के समाज मेरे पास है, और इनका जो रैली हो रहा है, जो पहले कह रहा था खेला होगा, अब इसका कोई खेला चलने वाला नहीं। तो वो माई बाप अब कर रहे हैं, माई के साथ बाप भी, माई और बाप इधर भी, बाप भी। कोई नहीं काम करेगा, माई बाप भी काम नहीं करेगा। सदा जी एक सवाल है, कल RGD के एक दलित विधायक ने कहा कि हम दलित हैं और हमको सदन में कुत्ते से तुलना की गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उस तरह की भावना से NDA के विधायक नहीं कुछ बोले थे, उसका वो गलत अर्थ समझ लिए थे। हम लोग भी अगर दलित को प्रताड़ित करता, हम बैठने वाले थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के जन विश्वास यात्रा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे जेडीयू विधायक रत्नेश सदा, और कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर वो यात्रा बिहार में करते हैं और गांधी मैदान में करते हैं, और गांधी मैदान का अगर एक कोना भी भर जाता है, तो हम समझेंगे कि उनकी यात्रा पूरी तरह से सफल है। इसी के साथ साथ वो कहते हुए नजर आए कि बिहार में NDA का बोलबाला है, NDA की सरकार है, और NDA की सरकार पूरी मजबूती से एक साथ है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।